मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर और न्यू एरा। मैं साम्या कुरैशी आपको पढ़ा रही हूँ CSIR UGC नेट का जनरल एप्टीट्यूड। इसमें अब तक हम कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट और हमारा चल रहा है सेकेंड चैप्टर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में कर चुके हैं। उसी को कंटिन्यू हम इस लेक्चर में भी करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉइन से रिलेटेड और कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे। अब इसमें डाइस के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, लेकिन उसके बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं वो आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये अब मैं आपको इसमें बताऊंगी। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है आपका कि टू डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइज आपकी थ्रो की गई हैं, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है कि गेटिंग सम इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जब दोनों जो दोनों डाई पे नंबर आ रहा है उन्हें जब आप ऐड करोगे तो वो कोई मल्टीपल होना चाहिए 3 का। फर्स्ट आपको ये निकालना है। सेकंड, गेटिंग सम डिविजिबल बाय 5, जो सम आए वो डिविजिबल हो 5 से, सेकंड में आपको ये निकालना है। गेटिंग एटलीस्ट अ सम 11, यानी कि कम से कम जो सम आना चाहिए वो 11 आना चाहिए। एटलीस्ट का कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। सेकेंड पार्ट है गेटिंग अ प्राइम नंबर एज अ सम, और प्राइम नंबर एज अ सम आपको होना चाहिए, यानी कि जो सम आए दोनों का मिलाकर वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। सेकेंड पार्ट इज गेटिंग डबलेट ऑफ इवन नंबर, यानी कि इवन दोनों डाइस पे सेम नंबर होने चाहिए और वो दोनों क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। डबलेट ऑफ ऑड, यानी कि सेम होने चाहिए बट ऑड होने चाहिए। एंड लास्ट इज गेटिंग डबलेट, इवन हो ऑड हो कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दी गई है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसे सॉल्व करते हैं और आपके इसमें टोटल आउटकम्स क्या रहते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहे हैं, टोटल आउटकम्स ये हैं आपके 36। तो टोटल आउटकम्स तो होते हैं आपके 36। अब पार्ट वाइज देखते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स क्या रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसका कहता है कि आपके पास टू डाइज रोल की गई हैं, आपको बताना है कि सम क्या होगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर नजर देख रहे हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि फेवरेबल आउटकम्स क्या रहेंगे। अगर आप इन सब का सम करोगे तो सम जो है वो मल्टीपल आ रहा है 3 का ही मल्टीपल है, यानी कि जो भी सम आएगा वो 3 के टेबल में आता ही आता है। तो इस तरीके से टोटल जो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स निकल के आए हैं हमारे पास वो है हमारे 12। तो ये जो 12 फेवरेबल आउटकम्स आए हैं, टोटल होते हैं हमारे पास 36। तो अगर हम इसको यहाँ से कैलकुलेशन करें तो यहाँ से हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी, प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ गई हमारी 12/36। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप बहुत ईजी कैलकुलेशन आ जाएगी और आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ईजिली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट तो ये था, अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में डिविजिबल बाय 5 कह दिया उसने, जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 5 से। अब सेम जैसे आपने वहाँ पे आपने मल्टीपल निकाले थे, यहाँ पे आप डिविजिबल निकाल दोगे, यानी कि सेम वही चीज़ वो हम यहाँ पे लेंगे नंबर्स, चाहे आप मल्टीपल कह दें कि मल्टीपल ऑफ 5 है या फिर वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, दोनों ही केस में बात सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, वहाँ पे हम 3 की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम 5 की बात करेंगे। तो ये भी वही प्रोसेस से सेम आप यहाँ पे निकालोगे जो 5 के टेबल में आएगा दोनों का सम, और उससे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लोगे। इसके बाद आपका आता है कि जो सम होना चाहिए वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। एटलीस्ट का कंसेप्ट अगर आपको पहले क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन ईजिली कर सकते हो। स्टूडेंट, मैं ये ओरली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी इतने अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप इसके क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे
और आप जब आप इसकी सॉल्यूशन कर लेंगे तो आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा पर डीएम करके अपनी सॉल्यूशन को चेक करा सकते हैं, और अगर कुछ भी डाउट होगा तो हम अपने लेक्चर में उस डाउट को आपके क्लियर करेंगे। तो एटलीस्ट वाला कंसेप्ट, क्योंकि सभी मैंने आप जो कमेंट्स हैं हमारे जो फेसबुक और इंस्टा पे हमें आया है उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि सभी के एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला कंसेप्ट क्लियर है। डबलेट मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और अब फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। डबलेट, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जो डबलेट होगा इवन नंबर का, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/36 आएगी। क्यों? आपके पास डबलेट हो सकता है 2.2, 4.4 और 6.6। ऑड नंबर के डबलेट की बात करें तो उसका भी 3/36 ही प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन वहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 1.1, 3.3, 5.5। अब अगर हम बात करें डबलेट की, खाली डबलेट, ना इवन की कंडीशन है ना ही ऑड की कंडीशन है, तो उस केस में जो हमारे डबलेट्स आ जाएंगे वो 6/36 आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमने इवन और ऑड में अलग अलग लिए हैं वो आपके एक साथ हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट था हमारा प्रोबेबिलिटी का। आई होप आपको ये सब डाइस वाला भी क्लियर हो गया होगा, जैसे आपका कॉइन्स और कार्ड्स वाली सॉल्यूशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ओरली कराए हैं क्वेश्चंस, सिर्फ आपको एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दी है, सॉल्यूशन आपको खुद करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, और मेरा ओरल ही आपको बताने का मोटिव भी यही रहा है इस लेक्चर में, ताकि आप सॉल्यूशन खुद करें और आप अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है और आपसे सॉल्यूशंस नहीं हो पाते हैं, तो आप, फिर से मैं रिपीट करूंगी, फेसबुक या इंस्टा पर हमें डीएम करके हमसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया हो। मैंने बहुत शॉर्ट में कराया है, लेकिन डिटेल में इसको समझा दिया है, ओरली कराया है, इसलिए शॉर्ट में बोल रही हूँ। और आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ भी बेनिफिट मिला हो, तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।